I have not failed. I have just discovered 10,000 ways that won't work. Thomas Alva Edison. तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग निकालेंगे मीन वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज। हम करंट के लिए निकाल रहे हैं, वोल्टेज के लिए सेम हो जाएगा, आई को वी से रिप्लेस कर देना। हाफ साइकिल के लिए, फुल साइकिल के लिए तो जीरो था, लास्ट वीडियो नहीं देखा हो तो देख लेना याद से, बट हाफ साइकिल के लिए क्या होगी इसकी वैल्यू, क्योंकि ये तो अब हाफ में तो या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हाफ में तो मीन वैल्यू आएगी। मैंने तुमको एक बूटी दी थी, वो ही बूटी यहां काम करेगी। जब भी एवरेज निकालना हो किसी फंक्शन का, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, सम। भाई जितने इंटरवल में है, जैसे सपोज करो 1, 2, 3 का एवरेज निकालना है, तो 1 + 2 + 3 करोगे ना, तो सम चाहिए। तो जब भी आपको मीन निकालना है तो सबसे पहले आप करेंगे सम। IDT लिख दो, ITDT लिख दो, करेंट का सम कर रहे हो तो किस रेंज में जा रहे हो ये देखो, 0 से T/2, क्योंकि आपके आप रखोगे टाइम पीरियड के हाफ में, हाफ साइकिल की बात कर रहे हो। फिर क्या करते हो, सम 1 + 2 + 3 सम हो गया, डिवाइड बाय क्या करते हो आप इंटरवल, तीन वैल्यूज थी तो 3 से डिवाइड करोगे। उसी तरह से यहां पर मेरा जो इंटरवल होगा वो इंटरवल है 0 से T/2, तो हमने उस रेंज की वैल्यूज का सम कर लिया और उस इंटरवल से डिवाइड कर दिया, दैट्स इट। ठीक है, तो ये अपने पास आ जाएगी मीन वैल्यू। मैंने यहां पर गौर से देखो, आई की जगह पर रख दिया है Im sin ωt dt, और लिमिट तो जो मेरी थी 0 से T/2, और रेंज थी T/2 - 0। जैसे ये आया, गौर से देखो, 2 ऊपर हो गया तो 2 चला गया बाहर, ऊपर 2 Im/T। साइन का इंटीग्रेशन पहले भी कर चुके हैं हम, हमने उसको लिख दिया -cos ωt। अगर याद नहीं है तो भैया साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन आता है cos ωt - sin / ω, क्योंकि टी के साथ ओमेगा है, क्योंकि कांस्टेंट है। तो ये हो गया मेरे पास। अब जैसे ही यहां पर साइन का इंटीग्रेशन -cos ωt / ω था, मैंने ओमेगा की जगह पर, क्योंकि मेरे टाइम जो लिमिट थी उसमें कैपिटल टी आ रहा था, टाइम पीरियड आ रहा था, तो ओमेगा को मैंने लिख दिया = 2π/T। यहां पर देखो, ये 2Im तो था तो ये 2Im है, ये टी था तो ये टी है, और जो ओमेगा था अंदर, उस ओमेगा की जगह पर मैंने लिख दिया 2π/T। टी से टी हो गया कैंसिल, 2 से 2 हो गया कैंसिल, क्या बचेगा, माइनस का Im/π, और अंदर ओमेगा की जगह पर रख दिया 2π/T। अपर लिमिट क्या है, T/2, लोअर लिमिट क्या है, 0। सो कॉस ओमेगा टी, ओमेगा की जगह पर 2π/T × T/2 -cos 2π/T × lower limit यानी 0। कॉस 0 हो गया, और ये देखो गौर से, यहां पर 2 से 2 कैंसिल, टी से टी कैंसिल, बचेगा cos π। कॉस पाई होता है -1, cos 180 - 1। सो ये हो गया -1, और ये हमारे पास है 0, -1, और cos 0 is again 1, so -1 - 1 = -2, आंसर आ गया 2Im/π। बहुत खूबसूरती के साथ, बहुत आसानी के साथ मैंने सिर्फ और सिर्फ वो सम अपॉन इंटरवल वाले वैल्यू में I की वैल्यू रख के 0 to T/2 इंटीग्रेट करके डेरिवेशन खत्म कर लिया। 2Im/π या 2I0/π इज द एवरेज वैल्यू ऑफ AC इन हाफ साइकिल। करंट है तो करंट, अगर ये वोल्टेज होता तो इसकी जगह पर आप लिख देते बाबा जी V average = 2Vm/π, दैट्स इट, और कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग RMS पर डिटेल में बात करने वाले हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट होगा वो RMS पर बात करना। बट तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, मजे करते रहो, बाबा जी तुम्हारे साथ हैं ही, इस बार भी मचाएंगे, इस बार भी नंबर लेकर आएंगे। अभी तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय। Till I get